हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये सुजुकी की अल्टो है, 2011 का मॉडल है, पेट्रोल प्लस सीएनजी कार है। तो इसका एसी ऑन नहीं हो रहा है, तो एसी जब ऑन नहीं हो रहा है ना, तो मैंने इसका गैस चेक किया तो गैस था ही नहीं सिस्टम में। इस वजह से मैं इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर मारा तो कंडेंसर लीक हो गया है। तो कंडेंसर मैं इसका रिप्लेस करने वाला हूँ, तो बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ कंडेंसर की क्या हालत हो चुकी है। इस वजह से इसका कंडेंसर रिप्लेस करना पड़ रहा है। यहाँ से तो एसी ऑन हो रहा है, बहुत से भाइयों का कहना है कि यहाँ से ऑन हो रहा है तो कूलिंग आनी चाहिए, लेकिन कूलिंग नहीं आती है। लेकिन बट यहाँ आप एसी चालू करेंगे ना, तो बाहर सिस्टम अगर ऑफ भी रहेगा, कंप्रेसर गया हुआ भी रहेगा, तो यहाँ आपको लाइट ब्लिंक होता ही रहेगा। चाहे कंप्रेसर ना भी रहे तो यहाँ से ऑन करेंगे ना तो ऑन होता ही रहेगा। तो बहुत से भाइयों का कहना है कि यहाँ से तो एसी ऑन दिखा रहा है लेकिन बट कूलिंग नहीं आ रही है। तो कूलिंग का बहुत सारा रीज़न रह सकता है, गैस नहीं हो सकता है, या फिर कुछ बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है बाहर। तो चलो फिर मैं इसका कंडेंसर बाहर दिखाता हूँ आपको। बम्पर वगैरह खुला हुआ है, सब खुला हुआ है, कंडेंसर लीक कहाँ से हुआ है वो दिखा देता हूँ और कंडेंसर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो ना, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे ना, तभी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा ना, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और ये सब चीज़ें मैं आपको आपके सामने इसलिए ला रहा हूं ताकि चीज़ें आपको समझ में आए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस मेरा रीज़न यही है। तो चलो फिर हम अपना काम करने के लिए लग जाते हैं। चलो आगे मैं आपको लेके जाता हूँ कंडेंसर दिखाने के लिए। तो जैसा कि देख पा रहे, फाइनली कंडेंसर बम्पर खुला हुआ है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन का प्रेशर लगा के रखा हूँ, और लीक जो देख रहे हैं यहाँ से हुआ है। देख रहे हैं, इतना लीक, ऐसा लीक हुआ है कि पानी वहाँ जा ही नहीं पा रहा है, रुक ही नहीं पा रहा है, फेंक दे रहा है उसको। आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं इसका नया कंडेंसर दिखा देता हूँ आपको, ये रही, और इसका प्राइस भी देख लीजिए आप। ₹3495 का है ओरिजिनल कंडेंसर है। ये रही। तो चलो फिर मैं इसको गाड़ी में फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली फिट हो चुका नया वाला कंडेंसर, जूना वाला इधर है, और मैं नाइट्रोजन का प्रेशर भी मारा हूँ 300 का। ये वाला बोल्ट लगाने में आपको थोड़ा तकलीफ देगा, काफ़ी तकलीफ देते हैं। उसके बाद सब प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओरिजिनल कंडेंसर था। ये वाला स्पंज भी प्रॉपर है। मैं आपको नाइट्रोजन का प्रेशर दिखा दे रहा हूँ, क्लॉ वाला लगा के रखा हूँ और देख रहे हैं 300 पे रखा हूँ नाइट्रोजन का प्रेशर, 300 से थोड़ा ऊपर है। तो थोड़ी टाइम रुकता हूँ, आधा घंटा रुकता हूँ, आधा घंटा फिर बाद आपको दिखाता हूँ। तो पहले दोस्तों आधा घंटा लगभग हो गया अपना, जैसा कि देख पा रहे हैं प्रेशर उतना ही है। तो जब तक मैं बम्पर फिटिंग कर लेता हूँ और अपना आपको लास्ट बार भी प्रेशर दिखा दूँगा बम्पर, जब तक फिटिंग हो जाएगा अपना, फिर आगे आपको बम्पर फिटिंग करके प्रेशर होल्ड करके, होल्ड प्रेशर रहता है क्या नहीं वो दिखा दूँगा, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि देख पा रहे हैं बम्पर वगैरह फिट हो चुका, और हाई लो मैं दोनों लगा चुका हूँ, और प्रेशर जो जितना मार के रखा था देख लीजिए आप, 300 पे जितना प्रेशर, 300 से थोड़ा ऊपर था, उतना ही प्रेशर है। तो चलो प्रेशर मैं छोड़ता हूँ और इसको वैक्यूम में लगाने का तुमको। तो जैसा कि देख पा रहे प्रेशर 0-0 हो गया। अब मैं इसको वैक्यूम में ले लेता हूँ।
रिकवरी करने बोल रहा है सिस्टम पहले, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रेशर मारा था इसकी वजह से, तो थोड़ी देर रिकवरी कर लेता हूँ, 0-0 होने और भी नीचे आने देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं रिकवरी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर गैस रहेगा सिस्टम में तो वैक्यूम होगा नहीं, तो चलो अब मैं वैक्यूम में लगा देता हूँ इसको 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के लिए वैक्यूम लगा दूँ, तो चलो 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं अपन। तो अपना वैक्यूम भी कंप्लीट हो चुका, अब मैं इसमें गैस फिल कर लेता हूँ। 350 ग्राम गैस मारेंगे, 350 ग्राम गैस में फिलिंग मस्त होता है इसमें। तो पहले थोड़ा सा ऑयल मार देता हूँ मैं, गैस फिल हो रहा है, हमें लगभग हो चुका। तो चलो फिर मैं अंदर गाड़ी चालू करके फिर फिलिंग टेम्परेचर वगैरह अंदर दिखाता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और गाड़ी अपनी अभी चालू पोजीशन में है। एसी चालू है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसी का बटन ऑन है। कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 7.3 पे आ चुका, 7.2, 7.1, देखते हैं कितने पे ट्रिप मार रहा है, 6.9 ट्रिप मार दिया, 6.9 पे ट्रिप मार दिया, तो इसका कूलिंग सब प्रॉपर हो रहा है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो चलो सबसे पहले मैं इसका हीटिंग टेम्परेचर भी आपको दिखा देता हूँ, हीटर हाई करता हूँ और एसी ऑन रखा हूँ, एसी ऑन पे भी हीटिंग टेम्परेचर आना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, एसी ऑन है, एसी ऑन पे भी आना चाहिए आपका हीटिंग टेम्परेचर, तभी आपका हीटिंग सिस्टम प्रॉपर चल रहा है, चलेगा, चलता है। नहीं तो अगर हीटिंग टेम्परेचर एसी ऑन पे अगर हीटिंग टेम्परेचर ना आए तो समझ जाइए कुछ ना कुछ हीटर में आपका फॉल्ट है। तो जैसा कि देख पा रहे 40 पे आ चुका, 41 पे, यानी इसका हीटिंग भी प्रॉपर चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया इसका कंडेंसर लीक हो चुका था, मैं कूलिंग पे ले लेता हूँ क्योंकि अभी बाहर का क्लाइमेट ही इधर अभी 30-35 टेम्परेचर है यहाँ पे अभी। तो ये सब चीज़ें ना आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा ना तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, बस इस वजह से मैं ये सब चीज़ें आपको आपके सामने ला रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा और ये वीडियो अच्छी तरीके से बना करके आपके सामने ला पाऊँगा, बस यही रीज़न है ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। जो चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो फिर आप भी कुछ कर सकते हैं, खुद से रिपेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। बस इसीलिए मैं ये सब वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि बहुतों को ये समझ में नहीं आता है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, क्या हुआ है। आपके पास अगर गाड़ी है तो आपको समझ में आना चाहिए कि गाड़ी के अंदर क्या क्या हो रहा है, नहीं तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बाहर मार्केट में कुछ काम करवाने जाएंगे तो आपका काम करवाने जाएंगे कुछ हो जाएगा कुछ, बस यही है। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।